मेरा दिल उसकी आवाज़ सुन के तेज तेज धड़कने लगा। क्या ये मेरा वहम है? ये क्लेयर नहीं हो सकती, ये मुमकिन नहीं है। 20 साल बाद, मम, मैं आपकी बेटी क्लेयर। तुम जो कोई भी हो, ये अच्छा मजाक नहीं है। मम, मेरा यकीन करें, मैं क्लेयर हूँ। मैंने आप दोनों को ढूंढने की बहुत कोशिश की। प्लीज आप आके मुझे यहाँ से ले जाएं। कौन है? मैंने अपने हाथ से रिसीवर कवर किया। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। क्लेयर है। मुझे दो। डेविड फोन हाथ में लेके देर तक उसे घूरते रहे। वाकई? हेलो डैड। क्लेयर? डैड प्लीज आप आके मुझे यहाँ से ले जाएं। मुझे पता है क्या हुआ था और मैंने आपको माफ कर दिया। मैंने आप दोनों को माफ कर दिया। प्लीज मुझे घर आने दें। क्लेयर, तुम हो कहाँ? मैं यहाँ बहुत अंधेरा है और मेरे पूरे जिस्म में हर तरफ कीड़े पड़ चुके हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है डैड। डेविड का चेहरा मुरझा गया और उसने खामोशी से फोन बंद कर दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये नहीं हो सकता, ये क्लेयर कैसे हो सकती है? हमने तो 20 साल पहले ही उसे मार के लॉन में दफन कर दिया था। उसने हमें परेशानी के अलावा और दिया ही क्या था? यही तो मैं भी सोच रही हूँ। अगर वो क्लेयर नहीं थी तो फिर कौन था? मिस्टर एंड मिसेस डेविड दोनों ही जहनी मरीज थे और वो अपनी बेटी पे बहुत जुल्म करते थे। उसकी छोटी से छोटी गलती पर भी उसे सख्त से सख्त सजा देते थे और आखिरकार उन दोनों ने उसकी जान ही ले ली और उसे मार के अपने ही लॉन में दफन कर दिया। पर क्लेयर की मौत ने उन्हें सुकून से जीने नहीं दिया और उन्हें इतना पागल कर दिया कि उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी बेटी उन्हें फ़ोन कर करके अपने पास बुला रही है। और फिर आखिरकार 20 साल बाद उन्होंने पुलिस को खुद ही सारी हकीकत बता दी और उन दोनों को सजाए मौत हो गई। हाय एवरीवन, उम्मीद है कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे मैं अपनी न्यू स्टोरीज के क्लूज और फोटोग्राफ्स शेयर करती हूँ। तो मैं आपसे मिलती हूँ एक और हॉरर स्टोरी के साथ। अंटिल देन, बाय।